जिंदाबाद। मुखिया माई बाप कुशल दिशा निर्देशन में हम लोग और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आज जो ये कागज हम लोग को प्राप्त हुआ है इसका 100% नहीं 200% क्रेडिट किसी को जाता है तो S4 को जाता है। आदरणीय शाही जी, आदरणीय मनोज राय जी, आदरणीय त्रिपुरानी दुबे जी और हमारे अभिभावक आदरणीय S4 के महासचिव और S4 की पूरी टीम के नेतृत्व में हम लोग इस लड़ाई को लड़ा। ऐसे आदरणीय आर के निगम सर को हम आमंत्रित करेंगे, आदरणीय राजेश सर को कि हम लोग के बीच में आज जो भी हुआ इसको सर जी। अब माननीय टीचरगढ़ से अनुरोध है कि आप शांति पूर्वक का माहौल बनाइए, तो हल्ला मत करिए। देखिए साथियों, ये किसी एक संगठन या किसी व्यक्ति की विजय नहीं है, ये एक पड़ाव है। ये आपकी एकता पानी में, इतनी परेशानी में, खासकर महिलाएं यहाँ पर बराबर 4-5 ओर से घटी रही, ये उसकी दबाव बल संगठन। आपसे तो हमें भी बल था, अभी भी प्रमुख सचिव ने कहा कि वो धरना तो चल रहा है, हमने कहा चलेगा, आपने दिया नहीं कार्य तो चलेगा तो वही है। हमने कहा 1 बजे समाप्त हो गया था, आपने नहीं दिया कि तो 6 बजे से फिर उन्होंने स्टार्ट कर दिया। हमने कहा हम अपनी बात का पालन कर रहे हैं, सरकार भी तो अपनी बात का पालन करें। खैर उन्होंने कार्यवाही दिया है, देखिए कार्यवाही जारी हुआ है। बहुत सी चीजें, सबसे बड़ी बात यह है कि अनुदेशक संघ का आज एक कागज सरकार के तरफ से मिला है मांगों के संबंध में कि वो क्या करेंगे। ये पड़ाव है, इसके बाद इसकी पैरवी की जाएंगी। बहुत सी चीजें वर्बल उन्होंने कही, 3-4 बातों की, कि इनको हम बहुत जल्दी 1 महीने के अंदर ही जारी हो जाए। देखिए मैं शायद आप पढ़ के सुना, हल्ला मत करिए, शांतिपूर्वक माहौल बनाइए। बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश में कार्यरत अनुदेशकों की मांगों समस्याओं के निराकरण के संबंध में प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 7 अगस्त 2024 को संपन्न बैठक का कार्यवृत्त। बैठक में उपस्थित संगठन के प्रतिनिधि श्री विक्रम सिंह अध्यक्ष, संयुक्त संघर्ष संचालन समिति उत्तर प्रदेश, आर के निगम महासचिव संयुक्त संघर्ष संचालन समिति उत्तर प्रदेश, श्री राम कुमार सिंह विधिक सलाहकार अनुदेशक संघ, श्रीमती प्राची मिश्रा कार्यकारी अध्यक्ष अनुदेशक संघ, श्रीमती स्मृति मिश्रा महासचिव परिषदीय अनुदेशक कल्याण एसोसिएशन उत्तर प्रदेश, श्री तारकेश्वर शाही प्रदेश मंत्री जिला अध्यक्ष विशिष्ट BTC संघ गोरखपुर। क्रम संख्या 1 जो मांग थी हमारी, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त अनुदेशक जुलाई 2013 से पूर्णकालिक कार्य करते हुए नौनिहालों का भविष्य संवार रहे हैं, अधिसंघ अनुदेशकों की उम्र सीमा 40 वर्ष पार कर चुकी है, रोजी रोटी का कोई विकल्प नहीं है, अतः नवीन शिक्षा नीति के अनुसार अनुदेशकों को नियमित किया जाए। इसका इन्होंने जो जवाब दिया ये तो हमारी डिमांड थी, उन्होंने जवाब सुनी है। नीति विषयक मांग है जिस पर विचार कर निर्णय लिया जाएगा। कार्रवाई महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश, देखिए बहुत पॉजिटिव जवाब है। जी जी बिल्कुल सर, इसके लिए उत्तर प्रदेश शासन को धन्यवाद देना चाहेंगे हम, योगी आदित्यनाथ जी को भी धन्यवाद देना चाहेंगे जो हमारे प्रदेश के मुखिया है, मतलब पूरी शासन को। दूसरी जो हमारी मांग थी, नियमितीकरण होने तक तत्काल प्रभाव से 12 माह के लिए समान काल समान वेतन की व्यवस्था लागू की जाए। सरकार का जो जवाब है, मानदेय में वृद्धि एवं 12 माह के मानदेय पर विचार विमर्श के उपरांत
निर्णय लिया जाएगा। ये बहुत पॉजिटिव जवाब है। जो तीसरी हमारी मांग थी, नवीनीकरण के नाम पर अनुदेशकों के साथ किए जा रहे अमानवीय शोषण समाप्त करने हेतु स्वतः नवीनीकरण व्यवस्था लागू हो। इसमें जवाब आया है, अनुदेशकों का नवीनीकरण समय से करने हेतु परिपत्र निर्गत किया जा रहा है तथा स्वतः नवीनीकरण हेतु अन्य विभागों में विद्यमान व्यवस्था का परीक्षण कर कार्रवाई की जाएगी। जी जी, मतलब अन्य विभाग में देख लिया जाएगा क्या व्यवस्था है, जैसे शिक्षा मित्रों का ऑटो रिन्यूअल होता है, जी, तो ये सब करके उस पर आगे कार्रवाई होगी। चौथा जो था, सरकार द्वारा अनुदेशकों के विरुद्ध अदालतों में चलाई जा रही समस्त कार्रवाई अविलंब वापस लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा माननीय उच्च न्यायालय डबल बेंच द्वारा पारित आदेश निर्णय मन दिशा निर्देशों का तत्काल प्रभाव से निष्पादित किया जाए। जवाब है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों व निर्देशों का विधिक रूप से परीक्षण कराकर निर्णय लिया जाएगा। देखिए अभी पॉजिटिव जवाब है। तीसरा है, महिला अनुदेशकों का अंतर जनपदीय महिलाओं का जो अंतर जनपदीय वो था ट्रांसफर, परीक्षण का सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाएगा। प्रश्नगत मांग पर कार्रवाई किए जाने हेतु परीक्षण कर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने, अभी मैं बताऊंगा, इसके लिए उन्होंने कहा दिसंबर तक, आज भी कहा है कि दिसंबर तक इसको ट्रांसफर का प्रकरण हम सब ट्रांसफर का पूरा कर रहे हैं। मतलब हम उस दिन भी कहा था कि सर ने कि महिलाओं का अंतर जनपदीय ट्रांसफर दिसंबर में हम करेंगे। अल्प मानदेय से रुग्ण हो चुके अनुदेशकों को आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाए। अनुदेशकों को आयुष्मान योजना में सम्मिलित किए जाने हेतु चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से परामर्श प्राप्त कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए। जो विभाग देता है उससे बातचीत करके इसको आगे बढ़ाया जाए। सातवां है, अनुदेशकों का भविष्य एवं आकस्मिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा हेतु ईपीएफ की गारंटी दिया जाए। इसका जवाब है, योजना का परीक्षण कराकर कार्रवाई की जाएगी। आठवां था, न्यूनतम 100 छात्र संख्या के आधार पर अनुदेशकों की तैनाती वाले मामले में इस संबंध में राहत विषयक उपाय किए जाए। मात्र अनुदेशकों को जिम्मेदार मानकर एक तरफा कार्रवाई नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध है। स्थानांतरण में उन समस्त विद्यालयों को शामिल किया जाए जहां संख्या 100 से ज़्यादा है। संबंधित पक्षों से परामर्श प्राप्त कर विभागीय मत स्थिर करते हुए 100 छात्र संख्या के प्रतिबंध को समाप्त करने पर विचार किया जाए। इस पर सहमत है वो कि इस पर ये गलत तरीके से 100 का जो प्रतिबंध लगाया गया है। उस दिन भी उन्होंने कहा था, अनुदेशकों को 10 सहयोगी अवकाश के अलावा कोई छुट्टी नहीं है, जो कि मानवाधिकारों के विरुद्ध है। अतः अनुदेशकों को भी शिक्षकों की तरह ही आकस्मिक अवकाश, चिकित्सीय अवकाश, बाल देखभाल अवकाश, सीसीएल एवं मातृत्व अवकाश का उपबंध किया जाए। अवकाश संबंधी मांगों के संबंध में विचारों का समुचित निर्णय लिया जाएगा। दसवां है, अत्यंत अल्प मानदेय एवं अनुदेशकों को स्वयं की व्यवस्था से ऑनलाइन गतिविधियों का संचालन करना तकनीकी रूप से संभव है, अपितु अनुदेशक कर्मचारी और ईमानदारी से ऑफलाइन मोड में करेगा। इसका जवाब है, आत्मरक्षा प्रशिक्षण में फोटोज लेकर अपलोड करने की व्यवहारिक कठिनाई, प्रत्येक छात्र की 3 बार फोटोज लेना से सहमति व्यक्त करते हुए अनुदेशकों से प्रशिक्षण कार्य लेने एवं छात्रों की फोटोज अपलोड करने का कार्य प्रधानाध्यापक या सहायक अध्यापक को दिया। अब हम लोग को इसको मतलब नहीं है। अब क्या समझे आप लोग? आपको हम लोग समझते हैं।
11 है, अत्यंत अल्प मानदेय एवं संकीर्ण सामाजिक स्थिति के कारण हम अनुदेशक मानवीय गरिमा के अनुकूल सामान्य जीवनचर्या से तालमेल नहीं बना पा रहे। परिणाम स्वरूप कार्यस्थलों पर शोषण एवं असहजता से अवसाद की स्थिति उत्पन्न होती रहती है। अनुदेशकों की समस्याओं पर संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए निराकरण किया जाएगा। उक्त के अतिरिक्त अनुदेशक संघ के प्रतिनिधियों द्वारा किए गए अनुरोध के क्रम में वेतन के लिए प्रतिमाह बजट समय से अपबुक न होने के कारण अनुदेशकों को वेतन विलंब से भुगतान होने की समस्या के निदान हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया था। जनपद के अंदर होने वाले स्थानांतरण के द्वितीय फेज की सूची 14 अगस्त 2024 तक निर्गत किए जाने का आश्वासन दिया गया। अंत में बैठक सधन्यवाद संपन्न हुई। इसमें कुछ चीज़ें हैं उसको समझ लीजिए। देखिए तीन चीज़ें हैं, बैठे रहिए अभी जाइए मत। देखिए तीन चीज़ें हैं जिसपे उन्होंने कहा कि हमारी बात हुई है मुख्यमंत्री जी के यहाँ, जो 17,000 वाला निर्णय है जो कोर्ट वो और मानदेय वृद्धि और 12 माह इस पर बात हुई है, कहा है विद इन मंथ इसके बारे में डिसीजन वर्बली जो उन्होंने कहा है कि 1 माह के अंदर इसके अंदर निर्णय मानदेय वृद्धि का और जो 11 से 12 माह करने वाला है और जो 17,000 का कोर्ट का निर्णय है, इन तीन बिंदुओं पर उन्होंने कहा 1 माह के अंदर जो है, उन्होंने कहा मेरी बात मुख्यमंत्री जी के यहाँ हुई है इसको। बाकी जो नवीनीकरण का है तो वो आपने समझ ही लिया। सबसे महत्वपूर्ण जो है जो नीति विषयक मांग है, तो उन्होंने कहा जितने उन्होंने विक्रम सिंह जी ने जो जो हमें प्रपोजल दिए हैं, जो राज्य सरकारों के दिए हैं, जो उमा देवी वाला दिया है और जो विषय विशेषज्ञ माध्यमिक शिक्षा में जिससे रेगुलर किए गए हैं जिस तरीके से, उस पर सब पे हम लोग बैठक करके विचार करके फिर फैसला करेंगे। तो इस पे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा उनका, इसमें 1-2 महीने 3 महीने का टाइम लग सकता है नियमितीकरण का इस पे। सर द्वितीय चरण का ट्रांसफर जो है वो तत्काल में तो हो ही सकता है। कौन सा जो द्वितीय चरण वाला ट्रांसफर? अरे 14 अगस्त में 14 अगस्त ये तो है, अगस्त चल रहा है, 14 अगस्त है, कल 10 होगा। डीजी कल आए थे, डीजी ने मेरे सामने कहा कि हमने प्रस्ताव भेज दिया है, समय जो हम जारी कर देंगे। 14 अगस्त में कितने दिन दिए भैया? 4 दिन की, आज 9 है सर, 14 को दिया है, 10 कल होगा, 2 दिन बीच में छुट्टी है। जी सर जी, और देखिए मैंने पहले भी कहा था आज आपके पास गवर्नमेंट का एक लिखित यह है कि कार्रवाई की जाएगी। जी सर, इसमें कोई निगेटिव नहीं है कि हम नियमितीकरण की कार्रवाई नहीं करेंगे, हम इस मांग को स्वीकार नहीं करते, इसमें कोई नहीं। अब देखिए आपकी जिम्मेदारी केवल धरना बैठना ही आंदोलन नहीं होता, संगठन के पदाधिकारी हर हफ्ते 10 दिन में आ करके बातचीत करके यहाँ से प्रस्ताव भिजवाना, फिर हम लोगों का वहाँ काम है गवर्नमेंट में, हम उसको फिर वहाँ बैठक लगवाना, ये सब काम आप शुरू होगा और इसमें आप सब लोगों का सहयोग चाहिए, तन से मन से धन से। केवल ये नहीं है कि धरने पे बैठ गया तो बस हमारा काम खत्म हो गया, अब असली काम अब है नियमितीकरण की कार्रवाई का। जो हम कह रहे हैं कि हमने आपके ही उच्च शिक्षा विभाग के लोगों को रेगुलर कराया, 350 लोग थे उसके, लेकिन 3.5 साल लगे, लेकिन वो लोग लगे रहे, उसमें देर इसलिए भी लगी मैंने आपको पहले बताया था कि क्योंकि वो पद थे लोक सेवा आयोग के, वो कठिन काम था, वो लोक सेवा आयोग से जाकर के अनापत्ति लाए, उसी में लग गया था 6-8 महीने, बहुत मुश्किल से मिली थी अनापत्ति। तो इसलिए ये सारे इसमें से ये निकलने की जरूरत है कि हमारा कुछ नहीं हुआ, अब कुछ नहीं हुआ तो कुछ से 0 से शुरुआत हुई है, तो ये पहली सीढ़ी है, दूसरी सीढ़ी है, अब इसके अनुसार कार्रवाई करिए। जो 3-4 बातें उन्होंने कही हैं जैसे कि परिपत्र जारी करने का ये तो 2-3 रोज में जारी हो जाएगा, 14 तक आपका ट्रांसफर का भी फेज हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, तीसरा ट्रांसफर होगा। अब एक गवर्नमेंट लेवल पे एक आपका एक रास्ता बना है, सामंजस्य बना है, अब जिम्मेदारी है कि आप इन सब लोगों को पदाधिकारियों को बजाय हतोत्साहित करने का इनका कोऑपरेट करें, हर महीने 10 दिन में इनको ठेल करके लखनऊ भेजें, यहाँ पैरवी करें, शिक्षा निदेशक क्या नहीं हो तो हम लोगों से कहें गवर्नमेंट लेवल पे बात करके। और देखिए एक बात बताएं आपको, आप इसको छोटी बात समझ लीजिए, 1 साल से 2 बार ये लोग बात कर चुके हैं उनसे, एक बार मैंने भी इनसे बात की थी आकर के इनके कहने पे, अभी इनको जुड़े हुए मुश्किल से कितने महीने हुए थे,
तीन महीने हुए जी सर, तीन। तो गवर्नमेंट से अगर आप डटे नहीं रहते सब लोगों की तरह, कितना प्रेशर बना यहाँ प्रशासन के लोग। चलो डीजी से बात कर लो, चलो डीजी से बात कर लो। अरे डीजी जब साल भर से टहला रहे हैं, कोई बात नहीं हुई ना, पहले वाले डीजी ने कोई निर्णय उनके लेवल पे हो ही नहीं सकता ना। आप भेजें वो प्रस्ताव, इसका जो एक एक बिंदु है उसकी अलग अलग से एक चिट्ठी बना के आराम से दो चार दिन के बाद आप भेजिए कि ये निर्णय हुआ था कार्रवाई। हर बिंदु का अलग अलग चिट्ठी बनाइए, हर मांग की अलग, मांग की अलग अलग, जिससे कि वो अलग पत्रावली से चले। उसके बाद यहाँ आके पैरवी करिएगा, आप वहाँ प्रस्ताव भेजिए उनको जो कागज जरूरत हो। देखिए प्रशासन यही करता है, बैठे रहते हैं, उनको सबको कागज चाहिए तो वो कागज सब आप उपलब्ध कराएं, जहाँ जहाँ का आपने प्रमाण दिया है, जहाँ जहाँ का उदाहरण दिया है तो सब ला करके, ये मेन काम है जिससे कि आपका भविष्य सुधरे। आपने अभी जो किया वो ये था कि सरकार को वार्ता के लिए विवश करेगी, वो आपकी बात सुने, इसके लिए भीड़ की जरूरत होती है, वो आपने किया सफलतापूर्वक, इसके लिए आप सब बधाई के पात्र, खासकर महिलाएं, महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। बिल्कुल, और लोग तो चले गए लेकिन महिलाएं सब बैठी नहीं, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, महिलाएं नहीं गई। अगर ऐसा कभी नहीं होगा तो फिर योगदान वही शुरू रहेगा, संघर्ष बंद नहीं होगा कभी भी। और देखिए अभी हम लोग करेंगे, अभी हम आज एक ट्विटर अभियान हमने इनसे कहा तो चलवाइए S4 का, फिर 31 को कैंडल मार्च है जनपद में, तो आंदोलन S4 का है, उसमें संविदा टॉप पे है, संविदा का नियमितीकरण सबसे टॉप पे है। एक मिनट सुन लीजिए भैया, शांत रहो भाई, असल में मतलब की बात सुनते नहीं, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, हल्ला कर रहे भाई। नियमितीकरण का जो है वो यहाँ नहीं किसी ने किसी को पहुँचा, मिलता वही है जो नियुक्त अधिकारी है उसी से नियमितीकरण आदेश मिलता है। यहाँ आंदोलन के अंदर आंदोलन पे एक नीति तय की जाती है, एक रास्ता खुलता है, उसके बाद कार्रवाई कराना आप सबकी जिम्मेदारी। जी, तो जो 31 अगस्त को जो आंदोलन है उसमें सब लोग शामिल होइए जनपद स्तर पर, सब आंदोलन को आप जब हम बात करने जाएंगे तो 5 बिंदुओं में ये बिंदु प्रमुख है, वो भी आपका बिंदु है जी सर, तो इसलिए उसमें भी तेजी आएगी जब बात होगी। तो जो आंदोलन है उसको सफल बनाइए, और हम लोगों का ये पूरा टारगेट है कि इस साल हम लोगों को संविदा का 2024 में नियमितीकरण की कार्रवाई, केवल आपकी नहीं सबकी, चाहे शिक्षा मित्र हो, चाहे वो ग्राम रोजगार सेवक हो, कोई ना कोई नीति बना करके उसको तय करना जी सर। और नहीं करेंगे तो दिवाली के बाद एक बड़ा आंदोलन के लिए प्रदेश में तैयार रहिए, ये हम लोग उसकी तैयारी अभी भी करिए, एक दिन में आंदोलन नहीं होता। 2010 के बाद कोई बड़ा आंदोलन नहीं हुआ, जान लिए तब भी S4 नहीं किया। अब जो हमारे हिसाब से 3-4 साल लेट हो गया, कोरोना 2 साल 2.5 साल 3 साल खा गया, उसकी वजह से अब समय आया है। और 28 का इंतजार 27 का मत करिए, सरकार 6 महीने पहले कहने लगेगी अब आएगा हम आएंगे तब कर देंगे। 2027 में चुनाव ही है, अगर नहीं होगा तो उससे पहले घेराव कर देना, अभी से कर बस इतना जानिए। हमारा टारगेट 25 नहीं है, हमारा टारगेट है 24 में ही का निर्णय हो जी, जिससे अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो तो 25 तक हो जाए जी सर। सरकार जब 15 दिन के, आप बताइए, उन्होंने कहा था कल ही जारी कर देंगे, इतना लगे रहने के बाद आज जारी। इस सर का बहुत बड़ा योगदान है, सर का बहुत बड़ा योगदान है, मानना पड़ेगा, करते हैं। लेकिन एक जब आप रहेंगे, आप मौजूद रहेंगे, आप हमको समर्थन करेंगे, आज ऊर्जा करेंगे तो हम भी करेंगे, आप घर पे बैठ जाते चले जाते तो हम भी चले जाते। सही बात, सीधी सी बात, उनको भी पता है। आज भी उन्होंने कहा कि वो लोग तो बैठे हुए हैं, तो हमने कहा बैठे तो रहेंगे, आप घर पे तो भी नहीं दोगे हमको, ऐसे वापस कर दोगे तो फिर बैठे रहेंगे। अब ये टारगेट बना के चलना है, अगर हमारा हम केवल एक जो लोग हैं अपने दिमाग से निकाल दें, केवल निदेशक संघ को आज के 3 दिन के 4 दिन के धरने की एक सफलता है कि उन्होंने एक नींव डाली है और गवर्नमेंट से उनकी सीधे बात हुई है, जिसपे आगे कुछ अभी हफ्ते 10 दिन में कुछ आपको आदेश और मिलेंगे जी, उससे खुश होने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारा टारगेट वही तो मांगे, नियमितीकरण समान कार्य के लिए समान। यस सर, इस सर का बहुत बड़ा योगदान है कि आपके बीच में चल के आए। कार्य के लिए समान वेतन, वेतन वृद्धि के लिए उन्होंने 1 महीने का टाइम कहा, 1 महीने के अंदर मुख्यमंत्री के यहाँ बात हुई है, 1 महीने में हम इसको तय करेंगे। अनियमितीकरण उन्होंने कहा 2-3 महीने लग सकते हैं, आप लोग भी प्रयास करिए, हम भी प्रयास करेंगे। ये स्थिति है, खुशी खुशी घर जाइए, अपनी ताकत को और आगे के लिए तैयारी करिए, अपने पदाधिकारियों पर विश्वास रखिए और उनको पूरी मदद करिए हर तरीके से। और जो कार्यक्रम दिए जा रहे हैं स्कूल के,
उसको आप जो है ठीक है बैठ जाइए भाई, सभी की बात सुनिए फिर जाइए, बैठ जाइए, शांतिपूर्वक माहौल बनाइए, अगर किसी बैठ जाइए सुन लीजिए, किसी को कोई इसमें बात पूछनी हो तो पूछ सकता है, ऐसा किसी को अगर कोई प्रकार की समस्या हो तो या संदेह वाली बात लग रहा है इसमें उसको कुछ ना समझ में आया हो या कोई जानकारी तो आप पूछिए, लेकिन एक एक व्यक्ति पूछे तो उसके जवाब दिया जा सकता है, पहले बैठ जाइए उसके बाद पूछिए, खड़े होके मत पूछिए, तमाम आदमी यहाँ खड़े हैं, अगर एक आदमी को कोई समस्या हो तो पूछ सकता है। है किसी को समस्या है नहीं है, किसी को डाउट नहीं है, देखिए अनुदेश को कि 11 वर्षों के इतिहास में पहली बार आपको एक रास्ता मिला है, इस प्रकार का कागज मिला है जिसमें हर मांग पर किसी मांग पर नकारात्मक नहीं लिखा है, नहीं नहीं लिखा है, तो एक रास्ता तैयार हुआ है, अब हम लोग को मेहनत करके इसकी पैरवी करके प्रस्ताव बनवा कर ऊपर भेज कर उसको करवाना, और कुछ मांग जो सर उस दिन जैसे ऑटो रिन्यूअल था, 100 बच्चा था, महिलाओं का अंतरजनपदीय ट्रांसफर था, एक महीने के अंदर आदेश आएगा, सर ने उस दिन कह दिया था एक महीने के अंदर, उस दिन एक महीना नहीं था, नहीं तो आज सर से कहा है कि एक महीने के अंदर हम इसको कर, तो एक रास्ता तैयार हुआ है, अब इस रास्ते पे चल के हम लोगों को इसको कराना है, हो जाएगा वो आपकी 4 दिन की सफलता यही है, याद आपको 4 दिन ये बहुत बड़ा योगदान है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा, जो इससे पहले आप लोग कार्यरत भी थे या कार्यरत हो चुके थे उससे कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा था, लेकिन ये माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कर्तव्य था कि हर बात सुने, आप लोग का संघर्ष सुने, इस कार्य को आगे बढ़ाएं, और बीच में अगर कोई समस्या भी हो गई तो धरना प्रदर्शन के लिए हम लोग हावी हैं, ये चीज़ आप साक्षी मान के चलिए, ठीक है जी सर। टाइमिंग क्या टाइमिंग? एक महीना। अरे शांत हो रहिए आप लोग, एक एक महिला खड़ी हो जाए बात हो गई है, एक महीना मतलब 2-3 महीने में इससे संबंधित आदेश जारी होगा, विचारणी का मतलब ये 2-3 महीने कोई चीज तैयार करने ये ना समझे कि अभी बोले हैं आज रात ग्यारह साल बंदी हो सकती है, एक कागज जारी करवाने में 24 घंटे हम लोग पड़े रहे, जान लीजिए कोई भी आदेश का कागज जारी करवाने की यही स्थिति होगी, इसके लिए अभी से मेंटली फिजिकली तैयार रहिए, अगर हट जाते हैं आगे के लिए इस तरह के धरने के लिए तैयार रहिए, एक साल के लिए बिल्कुल मेंटली फिजिकली कभी भी कहीं भी बुलाया जाए दलबल के साथ हमें पहुंचना है, हमारी संख्या 25,000 है, मीडिया और शासन प्रशासन का तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतनी कम संख्या को ज्यादा करके बताया और दिखाया, इसका ये परिणाम है। ये एक सर ये बता दीजिए कि जो हम लोग की प्रमुख मांगे हैं उस पे मतलब
मेन पॉइंट सुन लो, नियमितीकरण के लिए उन्होंने कहा कि जो आपने सुझाव किए हैं, लेकिन नियमितीकरण में तय होना है कि किस तरीके से होगा, माध्यमिक जैसे हुआ विषय के होगा कि जैसे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, आसाम में बिहार में जैसे नियमावली जारी करके किया गया वैसे होगा, या जैसे संविदा के यहाँ पे उच्च शिक्षा विभाग में जो है उनको किया गया, तो वो तय करने के लिए बैठक में होंगी, प्रस्ताव तय किया जाए किस तरीके से। उन्होंने कहा उसमें 2-3 महीने का समय लगेगा, देखेंगे भाई जो मानदेय बढ़ाने का है, उनका एक बार बात हो चुकी है, दोबारा कल फिर बात हुई है मानदेय और जो 11 से 12 महीने वाला करने वाला, ये हम 1 महीने में तय, 1 महीने जब वो एक सर एक काम चालू जाने सब कंटिन्यू चालू, तो इसमें मेहनत जो है वो अब आपके पदाधिकारी ये लोगों को, इन लोगों को तन मन से बजाय इसके सब यहाँ से आकर के प्रस्ताव बना। देखिए इसका एक और असर पड़ेगा, अभी ये टालती थी डीजी महोदय, अब जब आपके विक्रम सिंह आएंगे तो उनका रवैया बदला रहे, कागज लेके आएंगे, कहेंगे का हमारा प्रस्ताव भेजो, इसमें लिखा भी है, लिखा भी है, उन्हीं को लिखा है कार्रवाई जिस पर महानिदेशक, महानिदेशक तो ज्यादातर कार्रवाई था महानिदेशक के स्तर पे, सबको फोटो करके 3 दिन भर बैठे रहते थे, मिलती नहीं थी, और उस दिन 6 बार कहीं हम लोग नहीं मिले, नहीं हम मिलेंगे उसकी जरूरत है, नहीं मिलेंगे तो मिलेंगे, क्योंकि ये कागज है परिवार के बच्चों के साथ, और जो शोर के कार्यक्रम है उनको आप जाते सब में आप सहयोग करिए, हम बताएंगे नंबर से लेकर किससे मिलना हो जाए बंद, सब लोग तैयारी करो आगे के लिए, भाई एक दिन में कोई चीज नहीं मिलती है, आज नागपंचमी में बाइट कर दो।